सो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नया वीडियो में। गाइस ये वीडियो है मेरा कलेक्शन दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। गाइस वेपन कलेक्शन सिर्फ दिखाऊंगा आप लोगों को, बाद में कभी वॉल्ट कलेक्शन दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पहले आप लोगों को मेरा वो दिखा दूँ, आईडी दिखा दूँ, प्रोफाइल दिखा दिया ना, ओवरव्यू में जाते हैं, रैंक में जाते हैं। देखो गाइस इधर देखो, भाई का केडी 3 का और 50 का हेडशॉट रेट है, ठीक है। तो गाइज वेपन्स में जाते हैं और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कैसे कम डायमंड में रेयर आइटम आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो गाइज़ ये देखो, ये तो फोकट का फ्री में मिला था और गाइज ये सब टट्टी है, ठीक है। कहाँ से मिला मेरे को पता नहीं, लेकिन डायमंड तो मैंने लगाया नहीं, गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। तो गाइज इधर देखो गाइज, एक ही मेरा फेवरेट वेपन है, आप लोग तो जानते ही हो। तो मेरे पास पहले ये एक था, कोई फ्लावर आया था मतलब रैंक मैच के अंदर, उसको लेके एक्सचेंज करने वाला था मेरा। और मेरे पास गाइज ना ज़्यादा से ज़्यादा वेपन रॉयल का माल है, ठीक है ना। तो आप लोग ये देख लो, ये भी वेपन रॉयल का है, ठीक है। एक ही मिला था मेरे को। तो इसके बाद ना ये मैंने 20 क्रेट ओपन किया था, तो 20 क्रेट में गाइज ये परमानेंट निकल गया, पता है। तो लास्ट में 3 क्रेट से ना मतलब स्कैनर निकला था, मतलब 17 क्रेट के अंदर ही मेरे को मिल गया था। और गाइज ये तो रीजनल बैटल का है। और गाइज ये ना मेरे पास ये जो आया था ना लेगेसरी रिटर्न्स, इसमें मैंने ये लिया था, शायद ज़्यादा नहीं 200-250 ऐसा डायमंड मैंने उड़ाया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं वेस्ट करना चाहता मतलब गेम के, ठीक है। और गाइज ये तो आप लोगों को पता है मेरे को लास्ट में ही मिला था एकदम, मतलब पूरा मैंने स्पिन किया उसके बाद मेरे को मिला। ये लेवल 4 का है और ये मैं प्रेफर करता हूँ इसीलिए क्योंकि गाइज गरेना वाले ना पहले क्या करते हैं, अभी मतलब जो नया स्किन लाते हैं ना उसका एक्यूरेसी रेट ऑफ फायर सब कुछ सही कर देता है। वो गन्स का जो स्किन है, वो गन का जो एट्रीब्यूट है, मतलब बहुत अच्छा कर देता है पहले वाला गन से उसका जितना भी हो सके। मतलब इसका भी देखो डैमेज और रेट ऑफ फायर तो ठीक है ना, और ये ड्रैगन का भी देखो डैमेज और रेट ऑफ फायर, लेकिन गाइज इससे भी ना तगड़ा ये चलता है क्योंकि ये नया स्किन है, ठीक है ना। आप लोगों को बता दूँ, आप लोग ये समझ जाओ, मतलब ये लोग बिजनेस करता है तो ऐसे ही करता है। और गाइस M14 देखो मेरे पास 30 है, तो नया ये M14 जो है वेपन रॉयल में वो अभी निकलूंगा आप लोगों के साथ ही। गाइस कार देखो, गाइस ये मैं प्रेफर करूंगा, जैसे एक एक को मैंने प्रेफर करने के लिए बोला था। इसका देखो लेवल 2 का है, सिंगल रेट ऑफ फायर है, लेकिन इसका डबल रेट ऑफ फायर है, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता क्योंकि इसका ना रेंज सेम है लेकिन इसका रेंज कम है। तो गाइस पहले सबसे पहले मेरे पास जो गन स्किन था पता है स्कार का, ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये वाला मिला। तो गाइस देखो ये भी वेपन रॉयल का माल है, ये भी वेपन रॉयल का माल है। और गाइस क्यूपिड मेरे को कैसे मिला था मेरे को याद नहीं है, एकदम ही याद नहीं है, ठीक है ना गाइस, सीरियस बोल रहा हूँ। और गाइस ये ना ये स्कार आप लोग देख रखो और मैं बाद में बताऊंगा कैसे मिला था, ठीक है। ये भी मेरे को फुल स्पिन करना हुआ था, लेकिन मेरा भैया के अकाउंट में ना 2 स्पिन में निकल गया था। एक 9 शायद फ्री का स्किन था, फ्री का स्पिन था, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ गाइज, मतलब हद है यार। तो गाइज पहले मतलब एक फ्री का स्पिन होता है ना उसमें मिला नहीं, तो उसके बाद नया वाला जो स्पिन होता है उसमें मिल गया था, ठीक है, सिर्फ नया डायमंड में ये वाला, समझ रहे हो। तो गाइज गोजा को देखते हैं, 30 है 2 मेरे पास, ठीक है। और गाइज ये इसके मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरे पास और कुछ है नहीं और एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो इसमें 1 टैप ज़्यादा अच्छा लगता है और डैमेज वगैरह होता तो अच्छा होता। तो गाइज जो भी है इसमें तो गाइज 30 है लाइट पास का सब। फार्मास का जो ओरिजिनल रेयर स्किन है वो तो मेरे पास है नहीं, और आप लोग देख पाए होंगे ये सब 30 है, सब कुछ वेपन रॉयल का लास्ट में जो होता है ना वहाँ से मिला है मेरे को इतना दिन से। और ड्रैगन अप का तो है नहीं कुछ, तो ड्रैगन अप ऐसे ही विदाउट स्किन में बहुत अच्छा चलता है। एक समय देखो गाइज ये वाला स्किन ना मैं मतलब 30 टोकन कलेक्ट किया था, कलेक्ट करने के बाद मैंने सब स्पिन करने के बाद लास्ट वाले टोकन से मेरे को ये मिला था, मतलब वो वेपन रॉयल में जितना भी आइटम था सब कुछ मिल गया सिर्फ उसका 2 एक्समेट छोड़ के। तब ना नया जो एक एक्समेट का स्किन है वो भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, ऐसा दिखता था वो थोड़ा और उसके ऊपर एनिमेशन था। तो गाइस वो वाला ना मतलब वो भी नहीं मिला और ये भी नहीं मिल रहा था, तो ये मिल गया लास्ट में मेरे को, तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था क्योंकि उसको मेरे को चाहिए नहीं लेकिन ये ही चाहिए था उस टाइम। रेट ऑफ फायर इसका बहुत सेक्सी था गाइस, क्या ही बोलूँ। और गाइस ये ना मैंने टोकन से एक्सचेंज किया है, मतलब इंक्यूबेटर टोकन था मेरे पास 4-5 शायद, और रिवोल्यूशन स्टोन तो था, उससे मैंने एक्सचेंज किया है। इसमें डायमंड लगाया ही नहीं मैंने, ठीक है, कितना टोकन था याद नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 टोकन था शायद मेरे पास। तो गाइस ये देखो गाइस ये भी वेपन रॉयल का माल है जो मैं यूज़ करता हूँ और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है दूसरा M60 से। और गाइस ये सब एलाइट प्लस का टट्टा है, ठीक है।
और ये गाइस ये भी वो एक्सेमिट जैसा ही लास्ट में रहता था वेपन रॉयल में, अभी तो नहीं है। और क्या ये भी लास्ट में ही रहता था वेपन रॉयल का। और गाइस ये तो आप लोग सबको फ्री में मिला था, ये भी फ्री में मिला था इवेंट वगैरह के। और ये एलाइट प्लस का रट्टा है गाइस, ये भी एलाइट प्लस का रट्टा है प्लाज्मा का। और रॉक का तो कोई स्किन है नहीं मेरे पास, ये वेपन रॉयल भी मैंने उठा नहीं पाया, और इसका भी नहीं है, पैडाफल का भी नहीं है, वुड फिगर भी नहीं है। तो एसएमजी में देखते हैं, तो गाइज इसमें देखो ये तो फ्री में मिला था, तो ये मैक्स हो गया था, और ये सब डट्टी है ठीक है। तो गाइज यही मैं प्रेफर करता हूँ। और गाइज इसका स्टोरी क्या है पता है, तो क्लैश स्क्वाड में ना, क्लैश स्क्वाड जो मैच खेलने के बाद लास्ट में मिल रहा था क्रेट, तो गाइज मतलब क्रेट में तो मेरे को मिल गया था परमानेंट, क्रेट से परमानेंट मिल गया। उसके बाद खेलते वक्त भी मेरे को परमानेंट मिला, मतलब इतना ज़्यादा मैच खेला था उस दिन मैंने, तो मेरे को इसमें भी परमानेंट दे दिया। मतलब ये क्या ना, ये गन स्किन मेरे को 2 बार परमानेंट मिला है ठीक है, विदाउट स्कैनर ठीक है। आप लोग समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। तो MP5 में ये सबसे पहले मेरे को MP5 मिला था, तो गाइज़ ये मैंने प्रेफर करता हूँ क्योंकि गाइज इसका रेट ऑफ फायर ज़्यादा है। और गाइज देखो ये तो मतलब ये भी वेपन रॉयल में आया था देखो गाइज ठीक है, ये भी मैंने कलेक्ट किया है, ये भी वेपन रॉयल में आया था शायद, ये भी मैंने कलेक्ट किया है। और गाइज ये तो क्लैश स्क्वाड का था, और ये सब टट्टी है गाइज, कुछ बोलने का नहीं है, छोड़ो। VSS का ये 2 टट्टी है, फिर भी ये यूज़ करता हूँ, इसका इसका एक्यूरेसी एट्रीब्यूट है मेरे पास। और गाइज पता है ये है मतलब MP40 का किंग, मतलब इसके सामने क्या बोलते हैं कोबरा का मैक्स आ जाएगा तो एकदम सामने मतलब बाजू बाजू में ठीक है ना, तो उसमें ये फोकर जीत जाता है क्योंकि इसका रेंज मतलब कम है, तो सामने से इसका डैमेज ज़्यादा होता है लेकिन उसका रेंज कम नहीं है, तो उसका डैमेज थोड़ा मतलब सेम पड़ता है जैसे पड़ता है ठीक है ना। तो गाइज़ मेरा ये 2 का है, ये मैं दोनों यूज़ करता हूँ। और गाइज ये मतलब एक वीडियो के लिए मैंने यूज़ किया है एक बड़े यूट्यूबर का, तो गाइज़। और हाँ ये देखो ये जो MP40 है ना, मैंने बोला था ना जो स्कार था, देखो गाइज ये वाला स्कार कहाँ गया, कहाँ गया ये वाला स्कार, और ये वाला MP40 कहाँ गया भाई, MP40 ये वाला MP40 एक ही क्रेट के अंदर होता है। तो ना बहुत दिन पहले एक इवेंट आया था जिसमें मतलब कुछ मिशन वगैरह कंप्लीट करके ना ये 10 क्रेट मिला था, तो उसमें ना फास्ट 5 क्रेट के अंदर स्कार मिल गया, और लास्ट 5 क्रेट के अंदर ना 3 नंबर डब्बे में ये वाला MP40 परमानेंट मिल गया। और आप लोग ये सब देखना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके फॉलो करो, उधर मैं पोस्ट डालूंगा, आप लोग देख पाओगे और मेरे साथ बात भी कर सकते हो गाइज ठीक है। और गाइज़ जो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो ठीक है, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो एक लाइक करके जाना ठीक है गाइज़। और कमेंट में बोलना आपका फेवरेट गन कौन है, मतलब कौन सा है ठीक है ना। और गाइज ये भी वेपन रॉयल का था P90 ठीक है, ये भी P90 वेपन रॉयल का था, तो मैंने ये भी निकाल लिया। गाइज मेरे पास वेपन रॉयल का ज़्यादा से ज़्यादा आइटम है ठीक है, मैं डायमंड वेस्ट ज़्यादा नहीं करता, टोकन से ही मेरे को मिलता है तो मिलता है, ना मिलता है तो ना मिलता है ठीक है। तो गाइज टॉमी का 2 एलाइट का है, और विक्टर का तो मेरे पास नहीं है, शॉर्ट गन का देखता है। ये भी ये मेरे पास पता है, ये मेरे पास 1 टोकन था और 3 एवोल्यूशन स्टोन था, 1 टोकन में मैंने स्पिन किया, 1 ब्लूप्रिंट निकल गया और मैं एक्सचेंज कर लिया लो ठीक है। ये भी वेपन रॉयल का है बहुत पहले, और गाइस ये सब टट्टी है, आप लोग टट्टी देख लो टट्टी। और ये देखो स्पास जैसे मतलब वेपन रॉयल का नीचे होता है ना रियर आइटम के साथ साथ, ऐसे ये सब भी था, तो ये सब टट्टी है, तो टट्टी देख लो आप लोग। ये रेट ऑफ फायर मैं यूज़ करता हूँ डबल रेट ऑफ फायर। और गाइस ये वाला पहले जब आया था तब मैंने नहीं लिया पता है, तो ये वाला तभी मैंने लिया था जब मतलब दूसरी बार आया था, क्योंकि पहले बार जब आया था तब 1-1 बंदे का 2500-3000 डायमंड वेस्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा गाइस नहीं लेंगे, तो इसमें ऐसे ही डैमेज ज़्यादा है और इसमें हेड मारता हूँ तो ज़्यादा नहीं लगता, मतलब मैं MP ज़्यादा चलाता था और इसमें हेड भी मारता था, तो मेरे को गन स्किन का ज़रूरत ही नहीं था, तो मैंने उसके बाद ये ले लिया क्योंकि ये 900 डायमंड में मिल रहा था सब ये वाला परमानेंट, तो मैंने ये ले लिया। और मैं टॉप अप नहीं करता गाइस पहले ही बता दूं ठीक है, और ज़्यादा डायमंड यूज़ नहीं करता मैं गेम के अंदर, मैं इलाइट वगैरह लेता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे को अच्छा लगता है सिर्फ वो चीज़ लेता हूँ, ज़्यादा इवेंट का माल मेरे पास नहीं है, पहले ही बता दूं गाइस। मेरा जब वॉल्ट कलेक्शन दिखाऊंगा तब आप लोग देख लेना। और गाइस इसका तो स्किन नहीं है मेरे पास, स्नाइपर देख लो गाइस ये लाइट का है, और ये वाला भी वेपन रॉयल में आया था शायद, गारंटी मैं नहीं दे सकता क्योंकि याद नहीं है उतना, बहुत पुराना है। और K98 का देखो गाइस ये सब टट्टी है, ये भी टट्टी है रैंक टोकन एक्सचेंज करके, पिस्तौल देख लो ये टट्टी है, ये भी टट्टी, ये भी टट्टी, देखो गाइस इसका 2 है और ये भी टट्टी, ये ट्रीटमेंट का है देखो टट्टी ट्रीटमेंट इसका, देखो गाइस ये पैन वगैरह देखो सब फोकट का फ्री का है और लाइट पास का, और कुछ नहीं है मेरे पास, लेजेंडरी जो आया था वो भी नहीं है। और ये देखो गाइस क्या बोलते हैं पड़ंग पड़ंग पे देखो,
मतलब सब कुछ फ्री का है और एलाइट का है मेरे पास, एलाइट का और फ्री का माल ज़्यादा है इवेंट का, ठीक है। और गाइस ये देखो, और ये जो बैट है गाइस, सबसे मतलब ये मेरा एक दोस्त है जो मेरे को टॉपअप करके दिया था, तो उसका नाम मैं लेना चाहूँगा इधर। उसका नाम है रहीम, उस वो बांग्लादेश से है। तो रहीम भाई बहुत बहुत थैंक्स, तब पहले ये बैट का स्किन आया था तो मेरे को बोला टॉपअप, तुम टॉपअप नहीं करोगे? मैंने बोला टॉपअप तो मैं नहीं करता, तो उसने मेरे को टॉपअप करके दिया था, ठीक है। बहुत दिन बाद टॉपअप किया था उस टाइम, तो गाइज ये मिला था मेरे को। और कटाना ये जब मैं टीम हिंद में था, टीम हिंद जब लोकेश गेमर के अंडर में था, तो तब मैं ये टॉपअप में मेरे को मिला था, ठीक है, लोकेश गेमर की तरफ से। और फीस्ट का स्किन देखो, ये एक ही है मेरे पास। नेट देखो गाइज कितना है, ये सब टट्टी है। मतलब इलाइट में मिला था, कहाँ पर इवेंट में, कहाँ पर मेरे को वेपन रॉयल पे, ये सब पहले वेपन रॉयल में भी नेट का स्किन था। और गाइस ये मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, ठीक है। और गाइस आदर्श में क्या है, ये टट्टी है, इसका कोई स्किन ही नहीं है। पुराना एक स्किन होता था वो मेरे पास नहीं है। और गाइस ये देखो, ये सब टट्टी है, ये तो टट्टी मेरा लाइट पास का है। और ये कहाँ से मिला पता नहीं, शायद ये भी वेपन रॉयल का नीचे वाले सेक्शन से। और इसका तो टट्टी कुछ नहीं है, और इसका देखो ये भी टट्टी लाइट पास का है। तो गाइस यही मेरा कलेक्शन है, ठीक है, वेपन्स का। और गाइज अभी लक रॉयल में चलते हैं क्योंकि मेरे पास M14 नहीं है। अभी देखते हैं मेरे पास वेपन रॉयल टोकन कितना है। डायमंड रॉयल पहले देखो कितना है, 65। मैं रख दिया भाई, मेरे को लेना ही नहीं है। मेरा मतलब अच्छा वाला कपड़ा मेरे को देखेगा तभी लूँगा। और गाइज ये मेरे को लेना है क्योंकि गाइज इसका रेंज भी ज़्यादा है, डैमेज भी ज़्यादा है, और सेफ रिलोड स्पीड और माइनस देखो है। गाइज एक चीज़ देख ला आप लोग, इसके पहले ना दो गन स्किन आया था जो मैंने लिया ही नहीं। मेरे पास 20 टोकन मैंने कलेक्ट किया है, ठीक है ना, आप लोग देख पाए होंगे इधर। तो मैंने इसके पहले जो दो गन स्किन आया था वो मैंने लिया ही नहीं, मैंने रख दिया। ये 98 में तब भी लाख था मेरा, क्योंकि रख दिया मैं बोल दूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरे को जो स्किन चाहिए, जो स्किन मेरे पास है नहीं, वो स्किन मैं लेना चाहता हूँ। तो तभी मतलब मेरा दिल का सुकून मिलेगा, जो मेरे पास है नहीं तो मैं ये चीज़ लूँगा। तो मैं इधर चाहता हूँ दो चीज़, ये एस केस और ये M14। M14 मेरे को दो स्किन में मिल जाएगा, ये तो मैं कन्फर्म हूँ। और एस केस मेरे को मिल जाएगा तो गाइज बहुत अच्छा, क्योंकि एस केस का भी मेरे पास अच्छा वाला कोई स्किन नहीं है। तो गाइज स्पिन मारते हैं आप लोगों के साथ और मेरे नाम पे। चलो गाइज फास्ट पिन 30 भाई, मेरे को पता है 24 आवर्स में मिलेगा। और अभी देखो परमानेंट आप लोगों के नाम पे एकदम गाइज परमानेंट। देखो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन हो गया गाइज, मेरे पास M14 का भी मतलब स्किन आ गया। अभी M14 से भी अब मारना स्टार्ट हो गए। चलो तो इधर क्या मिला है, देखो टट्टी मिला है। चलो वेपन्स में जाते, अर्मरी M14, ये देखो गाइज आ गया, हाथ में ले लेते हैं इसको। चलो गाइज ठीक है गाइज, यही मेरा कलेक्शन था। और क्या बोले गाइज, आप लोग मेरा ये गरीब का कलेक्शन देख के कैसा लगा आप लोग बताओ। और गाइज हम मेरे साथ खेलना चाहते हो तो गाइज कांटेक्ट करो जैसे भी करके, पता नहीं आप लोगों के साथ मेरे को भी मिलने का बहुत मन है, क्योंकि 1K सब्सक्राइबर हो गया। मतलब कौन बंदे मेरे ऊपर इतना भाई प्यार दिखा है मेरे को पता नहीं, दिखना है सबके साथ, मिलना है गेम पे। तो और गाइज क्या ही बोलते हैं आप लोगों के, जैसे मैंने वेपन्स का कलेक्शन मैंने दिखाया सब कुछ बोल के कैसे मिला, तो मैं एक दिन वॉल्ट का भी कलेक्शन डालूंगा। और गाइज आज तो गेम का अपडेट है और आप लोग बैठ के देखने का टाइम भी मिलेगा, तो इसीलिए आज मैं ये वीडियो छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। और गाइज आई होप आप लोग ये वीडियो बहुत इंजॉय करे होंगे क्योंकि कलेक्शन आप लोगों को दिखाया, ठीक है। तो गाइज क्या ना पहले बता दूँ, हाँ और एक चीज़ आप लोगों को बोलने में भूल गया, ये जो मतलब येलो पोकर है ना, जो मैंने मिला था मेरे को 25 टोकन से और 90 डायमंड से, मेरे पास 25 टोकन थे जैसे मैं कलेक्ट किया हूँ, ऐसे ही मेरा ना 25 टोकन मैंने यूज़ किया, तो मेरे को 6 एवोल्यूशन स्टोन कहाँ गया चीज़, 6 एवोल्यूशन स्टोन और 2 ब्लूप्रिंट मिल गया था, ठीक है। और ना मेरे को 1 ब्लूप्रिंट और 1 एवोल्यूशन स्टोन चाहिए था, तो 50% का डिस्काउंट का वेट कर रहा था मैंने। और मेरे पास उस टाइम ना 250 डायमंड था, तो मैंने ना 90 का एक स्पिन मारा, मतलब तब 50% में तो 90 का ही 5 का जो स्पिन है वो 90 में मिलता था, तो 90 में एक स्पिन मारा मैंने। तो गाइज क्या हुआ ना, दूसरी वाले में शायद एवोल्यूशन स्टोन और लास्ट वाले में ब्लूप्रिंट, मतलब काम खत्म, 25 टोकन प्लस 90 डायमंड, बस मेरा पोकर निकल गया। तो आप लोग समझ रहे हो मेरे को 90 डायमंड में मतलब पोकर मिल गया था, ठीक है, मेरे को पोकर मिल गया था।
तो गाइस यही बात है और कुछ ना। हाँ, लाग भी साथ देता है, बहुत बहुत साथ देता है, मैं क्यों झूठ बोलूँ, बहुत साथ देता है मेरे को ये सब गान स्किन में। और गाइस देखो, आप लोग सोच रहे होंगे भाई प्रीतम भाई तुम्हें तो और 98 लाख नहीं है, 0 लाख है, तो आप लोग इसके बाद कैसे लोगे। तो गाइस मैं इसके बाद ना वेट करता रहूँगा जो अच्छा वाला गान स्किन कब आए, तभी मैं स्पिन करूँगा। इसके बाद मेरे पास अच्छा वाला गान स्किन आया तो मैं वो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे पास टोकन भी ज़्यादा नहीं है। जब मेरे पास 50 टोकन होगा तभी ना मैं स्पिन मारूंगा लेने के लिए, जो मेरे को फेवरेट होगा, जो गन स्किन ठीक है ना, मेरे को अच्छा लगेगा ठीक है। और डायमंड वाल में भी मैंने ऐसे ही किया, देखो मेरे पास 60 हो गया तो अच्छा वाला कुछ आएगा तभी मैं स्पिन करूंगा। लकी 2 है, जैसे भी करके मिलेगा मिलेगा, ना मिलेगा तो क्या कर सकते हैं ठीक है। तो लाख साथ देना चाहिए कितना, क्योंकि इतना ज़्यादा स्पिन कर रहा हूँ ठीक है। और कुछ बोलना नहीं है आप लोगों को, आप लोग जितना ज़्यादा प्यार दे रहे हो तो बहुत ही मतलब अंदर तक जा रहा है, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो। क्या बोलूँ गाइस, आप लोगों के लिए गुलाब ले लो आप लोग। और बहुत ज़्यादा फालतू का बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ मैं, क्या ही बोलूँ। और गाइस गिल्ड में ना बंदा चाहिए ठीक, आप लोग गिल्ड में आना चाहते हो तो आ जाओ गाइस, बहुत बंदा चाहिए अभी गिल्ड में ठीक है। और क्या बोलेगा इस, कुछ बोलने का नहीं है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी वर्ल्ड भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और क्या बोलते गाइज, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कलेक्शन दिखाओ दोस्तों को ठीक है गाइज। तो आप लोगों को बता दो, आप लोग डायमंड ज़्यादा वेस्ट मत करो गेम के अंदर, क्योंकि ये गेम आज है कल चला जाएगा। और गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्री का माल लेने की कोशिश करो, आप लोग देखे होंगे फ्री का माल मैंने लिया। और गाइज मैं ना हमेशा सिर्फ इलाइट पास ही लेता हूँ और कुछ नहीं लेता, मेरे पास इवेंट का कुछ माल नहीं है, मैं इलाइट पास लेता हूँ, मिशन वगैरह कंप्लीट करता हूँ पूरा, देखा ना पूरा मिशन मैंने कंप्लीट कर लिया, इसका सिर्फ एक बाकी है ठीक है, थर्ड भी आ रहा है। तो गाइज ऐसे मैं सिर्फ इलाइट लेता हूँ, आप लोग लेना चाहते हो तो कलेक्शन के लिए इलाइट लो, क्योंकि इलाइट में बहुत कुछ मिलता है। और गाइज क्या बोले, कुछ बोलने का नहीं है, आप लोग अब सोचो क्या करना है। मैं जितना बोल सका आप लोगों को बोल दिया ठीक है। ज़्यादा डायमंड वेस्ट मत करो, क्योंकि पैसा आप लोग समझ रहे हो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर गाइस, लव यू दिल से।